अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। और आज इंडियन मीडिया का जो स्क्रिप्ट था ना, लिखा गया था जब फर्स्ट इनिंग के बाद पाकिस्तान 200 पे आउट हो गया, तो उन्होंने स्क्रिप्ट बना लिए थे कि हमने किस तरह क्रिटिसाइज करना है और किस तरह कीड़े निकालने हैं परफॉर्मेंस से। लेकिन उनको क्या पता था कि पीछे जो है बॉलिंग इंडिया की नहीं है जिसने 200 डिफेंड करना है, ये पाकिस्तान की माइटी बॉलिंग है जिन्होंने 200 डिफेंड करना है। और 200 स्कोर पाकिस्तान के लिए बहुत होता है डिफेंड करना, और जब उन्होंने डिफेंड किया और 60 पे अफगानिस्तान को आउट कर दिया तो मुंह सूज के और बिल्कुल बैठ गए हैं कि यार हो क्या गया है। अफगानिस्तान के कंधों में बंदूक चला रख के ना, बंदूक चलाना चाहते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिस तरह इनके साथ वेस्ट इंडीज में हुई ना, तो ये भी चाह रहे थे कि पाकिस्तान को भी एक हल्की टीम हरा दे ताकि हम भी इनसे बदला ले, हम भी इनको बातें करते थे। लेकिन पाकिस्तानी बॉलरों ने इनके ख्वाब जो चकनाचूर कर दिया। वो है ना इंडियन मीडिया, जो बड़े बड़े चैनल हैं वो एक तो पाकिस्तानी बॉलर की तारीफ कर रहे हैं और अंदर से डरे पड़े हैं। महसूस नहीं करा रहे आपको कि यार वो डरे नहीं हुए, लेकिन अंदर से शहीन उनकी रातों के ख्वाबों में आएंगे और डरा के आएंगे जी। जैसे एक वक्त था कि इंडियन जो कहते होते थे ना अपने, जैसे कि विराट कोहली पाकिस्तान के बॉलर्स के ख्वाबों में आते हैं, अब पाकिस्तानी बॉलर्स इंडियन बैटर्स के ख्वाबों में आएंगे और इंडियन मीडिया के जो है वो ख्वाबों में आएंगे। क्योंकि आज मैं उनके चैलेंज देख रहा था, वैसे भाई हैरान है, उदास है कि वो जेलस भी है ना बहुत ज्यादा कि पाकिस्तान के पास इतनी अच्छी बॉलिंग है, बैटिंग है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। इस बार पहली बार ये हुआ बड़े अरसे के बाद, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद पहली बार ऐसा मौका आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया से, अभी उनको हजम नहीं हो रही है। और ये खुलकर तारीफ भी नहीं करे बंदा, मुझे दिल भड़ा करो यार, जब आप लोग जीतते थे तो हम आपकी तारीफे करते थे, आप लोग यार दिल बड़े से तारीफ ही नहीं कर रहे यार, आप बस कह रहे हो अच्छा ठीक है बाबर ने चले आए, ओहो ये हो। यानी कि उसमें बैटिंग में वो सारा ना, जो बॉलिंग में हमने जो किया उसको तो भूल ही गए हैं, लेकिन जो बैटिंग में हमने गंदी परफॉर्मेंस किया चले ठीक है वो थोड़ा सा इजी ले गए थे उस पर ही बात करते जा रहे हैं, जो लेकिन बाद में बॉलिंग में किया भाई वो तो देखो कि आपके बैट्समैन का होना क्या वाला है। हमारे पास तैयारी किस चीज की है, हमारे पास हारिस राऊ के जो मिसाइल है वो रेडी है आपके लिए चलने के लिए, पांच दफा उन्होंने मिसाइल चलाए और प्रॉपर टारगेट पे बचे। अच्छा वो इस चीज को कह रहे थे कि यार बॉलिंग तो जो पिच थी वो तो स्पिनिंग विकेट थी, तो ये फास्ट बॉलर ने कैसे आउट कर लिया। मैं कहता हूँ कि इंडियन बॉलर को सीखना चाहिए पाकिस्तानी बॉलर से ट्रेनिंग ने। एक बार राहुल शर्मा को बोला था ना कि मैं पाकिस्तान का जब कोच बनूंगा तो बताऊंगा कि बैटिंग कैसे करते हैं, तो आप पाकिस्तान बॉलर को अपना कोच बनाए, आप बॉलर अपनी बॉलिंग को सिखाए कि बॉलिंग कैसे करते हैं। आपसे तो डिफेंड ही नहीं होता, 170 स्कोर डिफेंड कर रहा हो तो 10 विकेटों से आप हार जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ 250 जब 150 करना था फिर 10 विकेटों से हार गए थे, तो आप अपनी जो पाकिस्तान के अपने बॉलर को पाकिस्तान बॉलर से ट्रेन करें, उनकी वीडियो दिखाया करें आप, ताकि आपको बॉलिंग स्किल्स आए के बॉलर के अंदर आए। अच्छा ये इंडियन मीडिया ने बड़ा ये कह रहे थे कि पहले एशिया फतह करेंगे और उसके बाद वर्ल्ड कप फतह करेंगे, पाकिस्तान को जो धूल चटा देंगे, अब ये इनकी सारी की सारी जो कैंपेन है वो फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है पाकिस्तानी परफॉर्मेंस के आगे। और ये किस मुंह से अब ये कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इनको नहीं छोड़ने वाला। वैसे आप अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बॉलिंग, अफगानिस्तान को छोड़े आज हम इंडियन मीडिया की बात करें, और इंडियन मीडिया जो है ना वैसे भाई वो इस टाइम पे इंडियन मीडिया की तो बात कर रहा हूं, इंडियन मीडिया आज अफगानिस्तान की, यानी कि वो झंडा टीम अफगानिस्तान की कह रही थी, लेकिन पीछे से इंडिया इंडिया के वो स्लोगन लग रहे होंगे। इस तरह वो सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान को कि जिस तरह उनका जो दूसरा घर वो अफगानिस्तान के खिलाफ, खुद तो उनसे कुछ होता नहीं है इंडिया से, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ कोई भी टीम खेल रही होगी ना उसको इंडियन मीडिया आपको पता सपोर्ट करती है पीछे से, और वो कहते हैं यार किसी तरह जीते आपको। यार पिछली बार तो उनके वो जज्बात बाहर भी आ गए थे जब उन्होंने कहा था कमॉन अफगानिस्तान, कमॉन अफगानिस्तान, याद है पिछला एशिया कप आज तो वही हिसाब था, जब 200 स्कोर पे आउट किया तो ये लग रहे थे कि अपसेट करने वाला है अफगानिस्तान। ये आपको बता रहा हूँ कुछ और ही इन्होंने अपने दिल में सोचा हुआ था कि आज हम पाकिस्तान की फुल टाइम बैशिंग करेंगे। और इन्होंने बाबर आजम के, जिस तरह बाबर आजम को कह रहे थे जी बारबी डॉल और इस तरह की बातें कर रहे थे, रिजवान को बातें कर रहे थे, कहां आपकी बैटिंग, हमारी बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है, आपकी बैटिंग जरूर स्ट्रांग होगी लेकिन बॉलिंग आपके पास है ही नहीं, आप हम 200 करके भी आप डिफेंड करना जानते हैं, आप 400 स्कोर करें, 300 स्कोर करें, आपके पास डिफेंड करने के लिए बॉलर ही नहीं है, तो क्या आपने कक क्रिकेट खेल लिया आपने। देखें वैसल भाई अब जो है ना पाकिस्तान वो दूसरे मैच के लिए तैयारी कर रहा है और इंडियन मीडिया किसी तरह तैयारी कर रहा है कि यार वो अब मैं आपको बताऊं, वैसे पाकिस्तान ने जो अपनी जो इंडियन मीडिया की बैटिंग की जो पाकिस्तान की आज थोड़ा फेल हुआ है ना, उसकी ख्वाहिश भी पाकिस्तान ने अगले मैच में पूरी कर देनी है। पाकिस्तान की आप बैटिंग देखिएगा अब उस पे आप डरिएगा, पहले तो आपके पास हमारे बॉलर आपके ख्वाबों में आएंगे, अब आपके जो दूसरा मैच आप देखेंगे ना बैटिंग में जो गलतियां हुई ना हमने तो इजी ले लिया था, अब वो गलतियां भी सुधार लेंगे और इससे बड़ी विक्ट्री अफगानिस्तान के अगेंस्ट आने वाली है और 3-0 तो पक्का है और पाकिस्तान नंबर वन स्लॉट पर जाने वाला है। और ये चीज भी इंडियन मीडिया से हजम नहीं होने वाली कि पाकिस्तान नंबर वन स्लॉट पे जाएगा, तो आगे जाता ना पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है, आप तो एरोगेंट थे, आपकी टीम एरोगेंट थी, ओडीआई आपने पूरा खेला नहीं 4 साल, अब आपके पास टीम नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, हम क्या करें, हमने तो प्रॉपर टाइम दिया क्रिकेट को, रिस्पेक्ट दिया ओडीआई क्रिकेट को, आपके तो एंकर्स
कहते हैं यार हमें ओडी देने को मतलब नहीं, आपके प्लेयर, आपके प्लेयर अगर रेस्ट मांगते हैं छोटी टीमों के गेंद, हमारा अगर बाबर खेलना चाहता है जो भी उनको आप टीम दे वो उसके खिलाफ खेलेगा, जितना खेलेगा उतनी प्रैक्टिस होगी, तो आपकी गलती है ना, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। हमारा हर प्लेयर लंदन प्रीमियर लीग खेल रहा है, दुनिया में जाए खेल रहा है, आपके जो प्लेयर हैं एक मैच खेलने के बाद कहते हैं हमने आईपीएल बहुत खेली, हमें रेस्ट चाहिए, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अब आप इस चीज को लेके बैठे रहे और मेरा आप जलते रहे, आज की विकेट मेरा हाल अल्लाह बचाए, नजर से बचाए, इनकी नजरों से बचाए पाकिस्तान बॉलर्स को, कोई इंजरी इंजरी ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दे दी है ना पाकिस्तान बॉलरों ने, ये नजर भी लग सकती है हम सहायों की। अगले मैच की तैयारी करते हैं, तो चैनल को करते सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है कैसी लगी है। लगी हमें पता तो है हमको कैसी लगी है, उनकी जल गई है पाकिस्तानी से भी पूछ रहे हैं हम, पाकिस्तानी को तो अच्छी लगी, लेकिन इंडिया को तो जल गई है आज। अल्लाह हाफिज़।